लंबे समय से लॉकडाउन के चलते गरीब असहाय मजदूर परिवारों में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं को आज अजमेर दक्षिण से विधायक व पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता बदेल ने गोद भराई कर उन्हें राहत प्रदान की है। विधायक अनिता बदेल का कहना है कि इस महामारी के दौरान कई मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा और वह घर पर ही बैठी है। ऐसी स्थिति में उनके घर की स्थिति खराब है और वह अपने बच्चों व पत्नी का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पा रहे। इसी बात की जानकारी मिलने के बाद एक दर्जन से अधिक गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई है, जिसमें बच्चों के स्वस्थ होने के लिए विभिन्न सामग्रियां दी गई हैं, जिससे कि वह स्वस्थ रहें। इस दौरान राहत पाने वाली गर्भवती महिलाएं काफी खुश नजर आईं। इस मौके पर विधायक अनिता बदेल ने सभी को तिलक लगाकर यह सामग्री भेंट की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की गई। आज हमारे क्षेत्र की ऐसी बहनें जिनके परिवार में लॉकडाउन के कारण से पिछले 1.5 महीने से उनके परिवारजन घरों में कैद है और उनकी कमाई का साधन जो है वो ख़त्म हो गया है, ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को शिशु के लिए पूरी डाइट चाहिए। डाइट उनको नहीं मिल पा रही थी, ऐसे समाचार मेरे को मिले कि कुछ बहनें हैं जिनको डाइट नहीं मिल पा रही है, वो परिवार में उनके कमाने वाले जो है घर में बैठे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने उन गर्भवती महिलाओं के लिए ये आयोजन किया है और प्रत्येक महिला को हमने 5 किलो दलिया, 1 किलो घी, 3 किलो गुड़, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम किशमिश और 2 नारियल के गोले इस तरह से हमने भेंट किए हैं, ताकि वो बहनें गर्भकाल के बाद में जो शरीर को आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर सके और बच्चे को ठीक प्रकार से स्तनपान करा सके, ताकि बालक भी स्वस्थ हो और माँ भी स्वस्थ हो।